उनका संतोष जी के धन्यवाद दी। अब अपने सबके हम श्रोता यही संदर्भ में ठीक बॉर्डर में मारर खटोका के अवस्था अखन लंबा समय लॉकडाउन के कारण से ओहिठाम के बॉर्डर के अवस्था ओहिठाम ओहर दोहर हो के या ओहिठाम सरकार वाला सब की भूमिका है सुरक्षा निकाय सब जे अखन लॉकडाउन कराबे के लॉकडाउन के क्रम में उनकर सबके भूमिका केहन है ठाव ठाव में झड़प से भेल मारा तरफ झड़प से भेल ओहिठाम किछ आदमी के प्रहरी सब लाठीचार्ज से केने मुद्दा से चलौने ओहिठाम के अवस्था सब की है अही संदर्भ के जाने के लिए हम मारर खटोका के हमरा सबके सहकर्मी मित्र है पत्रकार नरेश बरबरिया से हम अपने सबके जोड़े ला चाहे छी। नरेश जी स्वागत है कार्यक्रम सलेश विशेष में। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी खास कई लंबा समय लॉकडाउन है एहन अवस्था में अखन सरकार वाला सब केना जनता सबके केहन किस्म के सहयोग कर रहा है की भूमिका है खास कर स्थानीय पालिका वार्ड संबंधित निकाय सबके केहन भूमिका देख रहा है अपने ग्राउंड में। जी जी खास लॉकडाउन के लगभग एक महीना यानी 24 दिन भ चुकल है अवस्था में देखल जाए बहुत तरह के कठिनाई सब भोग पड़ रहा है खास जे विपन्न वर्ग है जे जरा गरीब है उनका सबके खाद्यान्न के लिए घर में बहुत समस्या चूल्हो तक नहीं बढ़ल के अवस्था है मुढ़ी चूरा तक खाए ला बाध्य है वो नहीं मिले सबसे पहले बात कह पड़े सुरक्षाकर्मी के बात कह जाए तो सिन्हा नगर पालिका वार्ड नंबर 17 पोखरबा में एक गते सांझ में 7 बजे जे झड़प भेल छल प्रहरी आ स्थानीय सबके बीच में उनका सबके सिरा से जे टोली एलै डीएसपी के नियंत्रण में जे टोली एलै डायरेक्ट जेल देखे आदमी सबके लाठी चार्ज करके अवस्था रहे ओइल किछ मारर में सेहो दू चार गोटा के लाठी चार्ज भेलै तो खैटोका भंसार लै छै ओ दू आदमी के भेलै तेनाहिते ओइल सँ जे पठरवा में गेले तो किछ आदमी सब ओइल डॉक्टर छै राम कुमार यादव उनका प्रिस्क्रिप्शन कथी कहै छै कम्पोजिशन मिलाब के क्रम में ओइल स्थानीय सब हुनका कहलकै डॉक्टर छै तऽ हुनका कम्पोजिशन देखा दिखे कऽ ओहि विक्रम में 3-4 गोटा के जमा धैल रहे ओइल ठाक डीएसपी के टोली अयले आबि के मात्र लाठी चार्ज कर देलकै तो हुनका सब स्थानीय सब कहलकै कि बूढ़ बुजुर्ग सब सब किला हाथ उठबै छै कहि कऽ ओना नहि करल जाए अपन सबके वही क्रम में झड़प के अवस्था सृजना भेल तो 7-8 राउंड हवाई फायर से हो ओइल भ गेल त एकदम पूरे तनाव ग्रस्त भेल छल अवस्था त पूरे। अच्छा नरेश जी कनिक हम अपने के रोक ले चाहे छी जे डीएसपी के नेतृत्व में जे टोली जाकर ओहिठाम जे लाठी चार्ज झड़प के अवस्था एलै ओहिमे की जनता सब लॉकडाउन के पालना नहीं केने छल की पुलिस बेसी बल के प्रयोग करलक की छै की अछि अवस्था खास कहे जब गाँव घर छे गाँव घर में तो हल्का सहल पहल तो भैये जाए छे घरे रोडे लग घर रहे छे घरे पर रोड रहे छे से सब छे मगर रोड पर मगर गाँव घर में जे तरीका से प्रहरी सब जना करने दमन कह पड़े ज्यादती कह पड़े ओहि तरीका से हमरा सबके नहीं करक चाहिए समझा बुझा के पठा दे तो हमरा लगे एहन वातावरण आई जे वातावरण सृजना भेल ओ कदापि ओहन वातावरण नहीं सृजना कतौ ने कतौ प्रहरी आ स्थानीय बीच के समन्वय जे नहीं भ कऽ एहन वातावरण आई सृजना भेल। जी जी पुलिस सब बल प्रयोग केने पुलिस सब जे पहले समझावक चाहे बुझावक चाहे तेकर बाद में बल प्रयोग चाहे से नहीं कहकर एक चोटी बल प्रयोग कर ल ते कारण से झड़प के अवस्था सृजना भेल से कहले चाहे जी 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 एकदम जी जी स्थानीय सब सेहो कहि रहल छथि कि मतलब अइ तरीका से जे मतलब करते तो स्वाभाविक छै झड़प हो के संभावना छै आबि कऽ केकरो नहि कमती में बुझक चाहिए की छै कैला भीड़ छै की करने छै की भ रहल छै कमती में ओहि लड़का स्थान के बात बुझक चाहिए तकर बाद मात्र समझा बुझा कर जे ओकरा सबके से सरकारी संयंत्र सब छै ओहि सबके प्रयोग करक चाहिए मगर ओहि ल देखल गेलै बहुत भयानक स्थिति सोसाइट के जे गांव के छिमेकी गांव सब भेलै सब रहै त्रसित भ गेल फायर जे भेलै हवाई फायर भेलै सब रहै त्रसित भ गेल सबके केना केना फील। जी 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 एमे सुरक्षा निकाय सब सेहो एकटा क्षमता अपनाबक चाही अइ सन्दर्भमे हम सम्बन्धित निकाय सर बात करबे करब। नरेश जी खास कऽ कऽ अखन जे विपन्न सब गरीब सब आओर समस्यामे पड़ल जे अपने चित्रण केलियै सब अगाडि
खास कर के जो संबंधित वार्ड है वार्ड सब की राहत वितरण नहीं करल की अवस्था है जी अलग अवस्था लगभग एक हफ्ता पहिने सिरा नगर पालिका वड़ा नंबर 17 में मीटिंग भेल रहे तो मैं हमू गेल रही हूँ मीटिंग में भेल रहे जे सब नामावली संकलन लगभग एक हफ्ता लगभग मीटिंग होने के बाद एक दो दिन में सबके नामावली संकलन भक हम तो मर्जुना भेले तथापि अभी तक वडा अध्यक्ष बात हमारा किछ देर पहले भेल छले तो कल छले आई नामावली सिरा नगर पालिका में वडा नामावली आई पठाब के बात भ रहल छै कि हुनका सबके मुदा तथापि ओकरा सबके तीन दिन में ओकरा हुनका सबके बहुत किछ करक चाही मगर तै जे अनुसार से स्थानीय तो तकर बाद प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार के जे तीन टा के जे कोऑर्डिनेशन हो चाही कतौ ने कतौ कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण से गरीब विपन्न सब के बहुत तरह के समस्या सब खास कर के पहले कृषि क्षेत्र से जोड़ता कृषि क्षेत्र में कह पड़े लॉकडाउन के कारण से प्रभाव भरखरे एक दो दिन पहले हम रिपोर्टिंग के लिए गेल छलो सरकारी बाजार के व्यवस्थापन स्थानीय सरकार सब नहीं कर रहा के अवस्था से यदि व्यवस्थापन कर देते तो उनका सबके तरकारी आए खेते में नहीं सेरते कृषक सब के कदो न कदो आप बाजार सब में तरकारी के अभाव है तो गाँव घर में तरकारी नष्ट हो के नष्ट भ रहा है सर बाजार में तरकारी नहीं भेटला के कारण तो कतो मतलब दाले भात खाए कते बाध्य है तो गाँव घर में सरकारी फलम फाल से अवस्था है कतो न कतो स्थानीय तौर के यदि कतो ठाव पर कृषि क्षेत्र के जे उपज सब से सरकारी वाली सब से ओकरा सब की व्यवस्थापन करना बहुत जरूरी है कठिनाई स्थानीय उपभोक्ता सब से हुनको सब के बहुत कठिनाई है तरकारी नहीं पाबि रहल छै सहज नहीं भ रहल छै खाद्यान्न के दुकान सब नहीं खुज रहल छै दुकानों सब खुज रहल छै तो सामान सब भेट नहीं रहा अवस्था छै दुकानों सब खुज रहल छै तो एकदम महगो जे कालो बाजारी कहल जाए तो नहीं फरक पड़ते उन अवस्था सब सिर्जना भ चुकल है जी जी नरेश जी खास कर तरकारी हो खाद्यान्न लेकिन स्थानीय तह तो, सरकार के तो प्रश्न निर्देशन है कि ओकरा व्यवस्थापन करे के लिए सुपत मूल्य के दुकान खोले के लिए किसान सबके जे तरकारी है खेत बाड़ी में ओकरा सबके एक सुपत मूल्य के फसल खोल के स्थानीय पालिका सब वाड़ा सब ओ जे एक दर रेट अनुसार देवक चाहिए से अपने सबके वार्ड में अपने सबके जे एरिया में तेन व्यवस्थापन नहीं भेल अवस्था है नहीं जी जी नहीं भले सर वड़ा अध्यक्ष के हम लगभग एक दो हफ्ता पहले से ई चीज के कोऑर्डिनेशन करू अध्यक्ष जी कह के हम हुनका सलाह सुझाव वा जे होए हम हुनका देने रहे तथापि अई बात पर मतलब हम तेहन अभी तक नहीं देख रहा छी कि अई पर जे लाइव पड़ते तो सहज तरीका से उपभोक्ता सब के तरकारी सब उपलब्ध हेते मगर स्थानीय तह के कोऑर्डिनेशन कहल जाए अभी तक तो मतलब बहुत सिरा नगर पालिका के बहुत वन वडा सब में से कोऑर्डिनेशन के अभाव से आ राहत वितरण में अति विलम्ब भ चुकल छै हमरा लागे जे ऐसे पहले जे बाढ़ी आयल छलै ते तरी ओय में 6 महीना के बाद जे राहत वितरण भेल छलै हमरा लगे तनाइते एहि बेर नै होय आ ठाउँ ठाउँ में जे गाँव घर में जे वितरण साबुन मात्र सीमित लाइव वायरको साबुन दक मात्र सीमित कऽ देने छै जिनमें मास्क उपलब्ध भ रहल छै नि सैनिटाइजर उपलब्ध भ रहल छै और जे स्थानीय तह सँ जे सेवा सब होक चाही जे अति विपन्न परिवार सब के लेल खाद्यान्न तऽ बहुत अभाव खाद्यान्न के चलते कते गरीब परिवार के चूल्हो बंद भ गेल छै खाद्यान्न गरीब के तऽ छेबे करै मगर जे हुने खाने छै जे ओ सब समस्या सब में पड़ल छै हुनको सबके पैसो भेला के कारण तऽ सहज तरीका से हुनका सबके सामान नै बॉर्डर पर पारी सामान लेबल जाइ छै तऽ पुलिस सब खियारे छै मारे पीटे छै तै तरीका से सब भ रहल छै सर जी जी अपने जानकारी दिली नरेश यादव जी एक जानकारी और हम दिए चाहब सिरा नगर पालिका वार्ड नंबर 17 में जे ब्रझ में जे क्वारंटाइन जे छलै ओहिसे पहिने हम अपने जे पूछे छलिए रिपोर्टिंग करने छलिए जे बरियाती जगह छलै ओहि में किछु सुधार कतौ ने कतौ आब समाचार के रेडियो सलेज के प्रभाव कही या किछु जे कही पड़ल अछि ओहि लए 15 बेड के क्वारंटाइन बेड सहित ओहि लए स्थापना अभी तक फिलहाल बेड 15 मात्र लगल छै मगर 20 के क्वारंटाइन के स्थल के व्यवस्था सेहो भेल छै तो क्वारंटाइन में अभी एकोटा आदमी नहीं रहल जानकारी प्राप्त जी जी मापदंड अनुसार स्थापित अछि
मार्डर के जी जी अपने जानकारी दिली नरेश यादव जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता